कथन माटे भारत माता की, भारत माता की, आप सौ जिल्लाना खूणे खूणे थी अमने बधाने आशीर्वाद आपवा माटे आव्या अने मने कह्युं के लगभग 2-3 कलाक थी बधा आवी गया छे। तमारी आ धीरज, तमारो आ प्रेम, तमारा लागणी अने उत्साह अने आनंद आ वातावरण ज मने तमारा माटे काम करवानी एक नवी ताकत आपे छे, नवो विश्वास आपे छे अने एना माटे सौथी पहला आप सौने राम राम। गया 20 वर्ष आप सौनो साथ, सहकार, आपनी लागणी, आपनो प्रेम, आपना आ स्नेह भरा संबंधो कदाच मने जे सौभाग्य मळ्युं छे अने ए मारा आदिवासी माताओ बहनों भाईओए आप्युं छे। आवू नसीब कदाच राजकारण में कोई ने न होय जे आपे मने आप्युं छे। अने 20 वर्ष सुधी अखंड एक धारो प्रेम अने एना ज कारणे भले हूँ गांधीनगर में हो कि दिल्ली में हो मन में एक ज विचार आवे कि तमारा बधानु ऋण चुकवानी जारे जारे मौको मळे हूँ चुकवतो ज रहू। आजे पण अहीं तापी नर्मदा सहित आपड़ा पूरा आदिवासी क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपयाना प्रोजेक्ट्स अने एनो शिलान्यास थयो छे। हूँ गई काले ना आजे जे कार्यक्रम कर्या छे ने एमां जे लोकार्पण अने शिलान्यास कर्युं छे एमां जे रुपयानो बजेटनो अंदाज कर्यो छे अने जे खर्चो कर्यो छे एनो जो हूँ सरवाळो करूँ तो भूतकाळ में 12 महीनानू गुजरातनू आटलू बजेट नहोतू एटलू मारा एक प्रवास में वपराई रह्युं छे। आ बधुं आपना माटे छे अने आपना माटे जेटलू नहीं आपना संतानोना उज्ज्वल भविष्य माटे छे। तमारा मां बापे जे जिंदगी जीवी खूब कठिनाई पड़ी जिंदगी जंगलों में जीवी एमांथी थोड़ी ओछू थयुं तो ए तमारे जीववुं पड्युं तमने पण मुसीबतोनो पार नहोतो परंतु मैं तो तमने वचन आप्युं छे अने एटले दिवस रात काम करूं छूं कि जे मुसीबतो तमारे भोगवी पड़ी ए तमारा संतानोने न भोगवी पड़े एवो आपणे आदिवासी विस्तारनो विकास करवो छे। आदिवासी विस्तारना हितोने लईने अमारा आदिवासी भाईओना कल्याणने माटे अमे तो खपी जईए छे, खूंपी जईए छे कारण के तमारा आशीर्वाद लईने ज मोटा थया छे। पण आ देशमां पहलानी सरकारो पण तमे जोई छे, तमे बोलता ना हो पण तमने खबर बधी होय छे। एक बाजु भूतकाळनी कोंग्रेसनी सरकारो अने आजे आखा देशमां भाजपनी सरकारो जोई लो एमने कोंग्रेसनी सरकारोने तमारा उज्ज्वल भविष्यनी चिंता नहोती
एमना मगज में तो चूंटी चूंटनी चमकारा मारती होय अने चूंटनी पहला वायदा करवाना जूठा वायदा करवाना पछी भूली जवानो त्यारे बीजी बाजू आ भारतीय जनता पार्टी नी सरकार छे जे आदिवासीओना कल्याण ने माटे अमारी सर्वोच्च प्राथमिकता छे अमारा आदिवासी भाई बहनों शक्तिशाली बने समर्थ बने एमनो विस्तार वाते गाते आगळ वधतो जाए एना माटे मैं काम करी छे। एक बाजू कांग्रेस एवी सरकारो चलावी एमने तो आदिवासी परंपराओनी मजाक करवामां मजा आवे ठेकड़ी उड़ावे। मैं क्यारे कोई आदिवासी नी पागड़ी पहेरी होय के एनुं जाकेट पहेरी होय तो भाषणों करी करीने मजाक उड़ावे। पण अमारे कांग्रेसना नेताओं ने कहेवुं छे के आदिवासी नेताओनी तमे एमनी परंपराओनी संस्कृतिनी राजकीय लाभ करवा खाते जे मजाक उड़ाई छे ने आ मारो आदिवासी भाई क्यारे भूलतो नथी अने समय आए हिसाब चुकते करीने रहेतो होय छे। एक बाजू आ कांग्रेसना सरकारो आदिवासी द्वारा बनेली चीजो उत्पादो एनु कोई मूल्य ज नहोता समझता। अमे तो आजे ज्यां ज्यां भाजपनी सरकारो छे वनधन एनी ताकात अमारे माटे महत्वनी छे अने दुनियाना बाजारोमां आ वनधनो भाव मळे मोलताल थाय एना माटे अमे चिंता करता होय छे। भाईओ बहनो देश में ज्यां ज्यां भाजपनी सरकारो बनी छे त्यां आदिवासीओना कल्याणनी सर्वोच्च प्राथमिकता साथे अमे कोई पण सरकार करता सौथी वधारे समर्पित भावे काम करनारी पार्टी तरीके सरकारो तरीके अमारी पार्टी हमेशा सक्रिय रही छे। आजादी पछी दशकों सुधी कांग्रेस की सरकारो रही एमने आदिवासी भाई बहनों जीवन एनी मुसीबतों एने कम करवानी ने क्यारे चिंता न करी। भाईओ अमारे माटे आदिवासी भाईओ बहनों तत्कालिक पण विकास अने भविष्यना माटे पण विकास सारा में सारी सुविधाओं मळे एनी तरफ मैं विचार कर्यो जे कांग्रेस की सरकारो क्यारे न कर्यो। वधु वधु सुविधाओ आपी आदिवासी क्षेत्रों नो स्थायी विकास थाय एना माटे अमे काम करता रह्या छे। भाईओ बहनों ज्यारे अमे अधिकतम सुविधा आपवानुं काम करी रह्या छे त्यारे मने खातरी छे के आना कारणे कांग्रेसना लोको आईने अपप्रचार करशे जूठाणा फैलावशे परंतु एमनो अहंकार एने पण मारा आदिवासी भाई बहनों चूकते करीने मूकवाना जे मने खातरी छे। ઘરમાં વીજળી હોય પાકું ઘર હોય ગેસનું કનેક્શન હોય શૌચાલય હોય ઘરની પાસે જ ચિકિત્સાનું કેન્દ્ર હોય કમાવા માટે આજીવિકાનું સાધન હોય બાળકોને નજીકમાં બાલ મંદિર શાળા મળે ગામ સુધી આવે એવી સડક હોય આના માટે एक एक डगलू भरी ने एक एक मुसीबतों में मुक्ति माटेनु अभियान चलायु छे। मने याद छे गुजरात एवं कई करी बतायेलू छे अभूतपूर्व काम करी बतायेलू छे। आजे गुजरात में मने याद छे हूँ ज्यारे नवो नवो मुख्यमंत्री बन्यो त्यारे शहेरना लोको एम कहता कि साहेब कम से कम हांजे वाळू करता वक्त तो वीजळी आपो हांजे जमती वक्त वीजळी मळे एवं कई करो। आ गुजरात घरों की अंदर 24 कलाक वीजड़ी आपत थी गयु परंतु विशेषता जुओ वीजड़ी आपवानी बात आवी थी हूँ अहीं मुख्यमंत्री हतो सौथी पहला क्या जिल्ला ने 24 कलाक वीजड़ी मळी याद छे गुजरात में ज्योति ग्राम योजना सौथी पहली 24 कलाक वीजड़ी मारा डांग जिल्ला ने मळी थी। डांग जिल्ला ने आदिवासीओना 300 गामों में वीजळी पहोंचाड़ी अने घरे घरे ज्योतिग्राम नो लाभ आपीने 24 कलाक वीजळी नहीं तो बीजा नेता होय ने तो एमने अमदावाद वडोदरा आव्यु होत कारण के छापा में फोटो छपाय डांग में कोण छापे भाई पण मारे माटे मारा आदिवासीओनुं कल्याण प्राथमिकता हती।
अने डांग जिल्ला माथी जे प्रेरणा लीधी अने मैं जोयो कि जेवी वीजळी पहोंची बाळकों में भणवानो उत्साह जीवन में बदलाव आयो एमाथी प्रेरणा लईने जारे हूँ प्रधानमंत्री बन्यो ने तो मैं हिसाब कर्यो हिंदुस्तान में केटला गाम एवा छे कि ज्यां वीजळी नथी आपणने शरम आवे आ लोग केवी रीते बधुं करीने गया छे 18,000 गाम एवा हता कि आ वीजळीनो थांभलो नहोतो पहोंच्यो आपणे अभियान उपाड्यो आज हिंदुस्तान कोई गाम एवं नहीं कि ज्यां वीजळी न पहोंची होय आम हूँ डांग माथी शीख्यो डांग नुं काम जोईने शीख्यो तो भाई अने एटले मारे माटे आदिवासी विस्तार एक मारे माटे शिक्षा लोक शिक्षा नुं सौथी मोटुं माध्यम रह्युं छे आदिवासी क्षेत्रों में खेती ने नवं जीवन मळे एना माटे तमने याद हशे आपणे वलसाड जिल्लो ने आखा पट्टा में वाड़ी योजना चालू करी थी क्या अमरा आदिवासी भाई बहनों ने मण बीघू जमीन हो बीघू जमीन हो एकर हो एकर हो खाड़ा टेकरा वाली पर्वतों की माँ हमें बिचारो करे शू गमे तेटली मेहनत करे घर में खवाय का जुवार पकवे बकाई पकवे बाजरो पकवे दाड़ो काढ़े पेट भरा एटलू न मळे आपणे एनी चिंता करी वाड़ी योजना लाया अने तमे आजे पण वलसाड़ बाजूना पट्टा में जाओ आ नानकड़ी जमीन पर मारा आदिवासी भाई बहनों मेहनत करी काजू नी खेती करता थई गया आम होय अमृत होय निंबू होय केरी होय चीकू होय आवा बधा फळ कमा पकावता थया अने गोवानी सामे टकी रहे एवा काजू मारा आदिवासी भाईओए पैदा कर्या भाईओ अने आ वाड़ी प्रोजेक्ट एटलू बधुं जीवन बदली नाख्यु अने एनी हवा आखा देश में पहुंची अमारा आदिवासी भाईओ बंजर जमीन पर फळों की खेती करे वांस एनी खेती करवा माड्या अने ए वक्ते आपणा राष्ट्रपति हता अब्दुल कलाम जी एमने आ वाड़ी प्रोजेक्ट की खबर पड़ी एमने कहू मारे ए बधुं जोवा आवुं छे तो मैं कहू आओ हूँ आपणुं स्वागत मने के नहीं मारे खानगी में आवुं छे एमनो जन्मदिवस हतो एमने कोईपण सुविधा लीधी नहीं आने आ वलसाड़ जिल्ला आदिवासी गामों में गया अने आखा वाड़ी प्रोजेक्ट एमने अभ्यास कर्यो अने एने भरपूर प्रशंसा करी थी क्या वाड़ी प्रोजेक्ट अमारा आदिवासी भाईओं जीवन में केटलो बड़ो बदलाव आवशे अमारा आदिवासी भाई बहनों अमारी विषय मुसीबत केवी वरसाद त्यां सौथी वधारे पड़े परंतु पाणी रगड़ीने जतुं रहे उनाळाना दिवसों पीवाना पाणीना सांसा पड़ी जाए भूतकाळनी कांग्रेसनी सरकारो एमने एना माटे फुरसद नहोती अरे मैं एवा कांग्रेसना नेता जोया मुख्यमंत्री थया एमना गाममां पाणीनी टाकी बनाई पण पाणीनी टाकी एक वार भराणी नहोती ए दिवसों मैं जोया था ए पाणीनी टाकी हूँ मुख्यमंत्री बन्यो त्यारे भरवानुं काम मैं कर्युं हतुं आ आदिवासीओ प्रत्ये भूतकाळमां जोवानी टेव हती वाज वीजळीनी जेम ज अमे पाणीनी पाछळ पण पड्या अने हेन्डपंप ज्यां जुओ त्यां हेन्डपंपनी चर्चा थती हती एमांथी अमे आजे पाणीनी ग्रीड बनाई रह्या छीए अने पाणी उपचे लई जईने अमारा आदिवासीना दूर सुदूर गामोमां केनालनुं तो लिफ्ट इरिगेशन करीने आखुं नेटवर्क बेसाईने पाइपलाइन थी पाणी पहोंचाडवानुं काम कर्युं छे अने डाबा कांठा केनालनी वात ए वखते केटली रजूआत थती हती मारा आदिवासी भाईओने आ डाबा कांठा केनालना डाबा कांठाथी पाणी उपाड़ीने मैं मारा आदिवासी भाईओने मारा किसानोने एनो हक आपवानुं काम कर्युं हतुं भाईओ अने एना कारणे त्रण त्रण पाक पकाववा माड्यो सैकड़ो करोड़ रूपियानो निवेश अवकाई योजनानो लाभ मारा आ खेडूत भाईओने मळे मारा आदिवासी क्षेत्रना मारी माताओ बहनों ने पीवाना पाणी पहोंचे एना माटे मैं काम कर्युं अने आना कारणे पाणीनी सुविधामां सुधारो थयो एक समय हतो गुजरात में 100 में 25 घर एवा हता के ज्यां घर में पाणी आवतुं होय हेन्डपंप भी दूर दूर होय आजे गुजरात में भूपेन्द्रभाई सरकारे जे मेहनत आदरी छे जे काम में शुरुआत करी थी आजे गुजरात 100 में 100 घर में पाइप थी पाणी जवा माटेनुं जबरदस्त मोटू बीड़ी उठायुं छे अने मोटा भागनुं काम पती गयुं छे भाईओ बहनों गुजरात में आदिवासी विस्तारना एनी मूळ आवश्यकता
એને પૂરી કરવા માટે અમે વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાનો આશરો લીધો અને અમારા મંગુભાઈ આજે આયા છે. અમારું સૌભાગ્ય છે કે હવે તો મધ્યપ્રદેશમાં ગવર્નર છે. કોઈ કલ્પના કરે ગુજરાતની આદિવાસી માના ખોળે જન્મેલા મંગુભાઈ આજે મધ્યપ્રદેશના ગવર્નર બેસીને મધ્યપ્રદેશનું કલ્યાણનું કામ કરી રહ્યા છે અને અમારું સૌભાગ્ય છે આજે આવા શુભ અવસરે સરકારના આ કાર્યક્રમમાં મંગુભાઈ અહીં આવીને આપણને બધાને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. એ આપણા માટે સૌભાગ્યની વાત છે. મંગુભાઈ જ્યારે અહીંયા મંત્રી હતા, દિવસ રાત આદિવાસીઓ માટે મહેનત કરનારો સમર્પિત જીવન અને એક દાગ નહીં, આવા આદિવાસી નેતાઓ પેદા કરવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી થયું છે અને જેનો ગર્વ સમગ્ર દેશનો આદિવાસી સમાજ કરે. અને એ વખતે મંગુભાઈના નેતૃત્વમાં જે કામો શરૂ થયા હતા એ કામો આજે અમારા તાપી જિલ્લામાં, અમારા જનજાતીય જિલ્લામાં અમારી અનેક બેટીઓ દીકરીઓ એના કારણે સ્કૂલ કોલેજ જતી થઈ. ભાઈઓ, આદિવાસી સમાજ અનેક બેટા બેટીઓ સાયન્સમાં ભણવા માંડી, ડોક્ટર ઇન્જિનિયર બનવા માંડી, નર્સમાં જવા માંડી અને હવે તો વિદેશે જવા માંડી છે. અરે 20-25 વર્ષ પહેલા ઉમરગામથી અંબાજી સુધી અમારો આખો આદિવાસી પસ્તો ઘણી ગાંઠી આશ્રમ શાળાઓથી ચાલતું, સાયન્સ ટીમની સ્કૂલ તો ક્યાંક રડી ખડી મળે. હવે જો 10મા 12મામાં સાયન્સ ના હોય તો મારો આદિવાસીનો દીકરો કે દીકરી એન્જિનિયર ક્યાંથી થાય, ડૉક્ટર ક્યાંથી થાય? આ બધી મુસીબતમાંથી અમે બધું બહાર કાઢ્યું અને એના કારણે આજે મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનો ડૉક્ટર બની રહ્યા છે, એન્જિનિયર બની રહ્યા છે અને ભણી ગણીને દેશનું, સમાજનું અને આપણા વિસ્તારનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. આ કામ આપણે કર્યું છે. કોંગ્રેસે ક્યારે આ વિચાર ન કર્યો કે આ કામ કરવા જોઈએ? ભાઈઓ બહેનો, કોંગ્રેસની વિચારણા, કોંગ્રેસનું કામ કરવાની પદ્ધતિ અને અમે આવીને આખી સોચ બદલી નાખી, અપ્રોચ બદલી નાખ્યો. અને આપે જોયું હશે કે ગઈકાલે ગુજરાતમાં ગાંધીનગરમાં મેં હિન્દુસ્તાનમાં પહેલો એવો એક એવો મોટો કાર્યક્રમનું શરૂઆત કરી છે, મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ. મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ આખી દુનિયાની તોલે આવે, ખાલી ગુજરાતમાં આગળ હોય એવું નહીં, દુનિયાની તોલે આવે એવી ટેકનોલોજી શાળાઓ સુધી કેમ લઈ જવી? અને એમાં જે ગુજરાતમાં શાળાઓ નક્કી કરી છે ને, એમાં 4000 શાળાઓ મારા આદિવાસી પટ્ટાની નક્કી કરી છે. કારણ મને મારા આદિવાસી દીકરા દીકરીઓમાં ભરોસો છે, એમને જો આ શિક્ષણ મળે દુનિયામાં નામ કમાઈ આપશે એ મારો ભરોસો મારા આદિવાસી દીકરા દીકરીઓ પર મને છે. ગયા 20 વર્ષમાં આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં 10000 કરતા વધારે સ્કૂલો બનાવી, એકલવ્ય મોડલ સ્કૂલ અને બેટીઓ માટે રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ બનાવી, દીકરીઓ ત્યાં રહીને ભણે એમના માટે રમત ગમતની વ્યવસ્થાઓ કરી. આજે ગુજરાતની આદિવાસી પટ્ટાના દીકરા દીકરીઓ ખેલ મહાકુંભ કરો ને સાહેબ, ઇનામ એ જ લઈ જાય, આ તાકાત એમના પર પડી છે. અને નર્મદામાં બિરસા મુંડા જનજાતીય વિશ્વવિદ્યાલય, તો ગોધરામાં ગોવિંદ ગુરુ વિશ્વવિદ્યાલય જનજાતીય યુવાઓ માટે આ કામ અમે કર્યું છે. આદિવાસી બાળકોને મળતી સ્કોલરશીપ એમાં પણ બજેટ ડબલ વધારી દીધું છે. એકલવ્ય વિદ્યાલયની સંખ્યા અમે અનેક ગણી વધારી દીધી છે. અમારે આદિવાસી બાળકોને ભણવાનું મળે, એને શિક્ષણ મળે, સારામાં સારું શિક્ષણ મળે, વિદેશમાં જઈને ભણવું હોય તો એમાંય આર્થિક મદદ કરવાની અમે યોજના કરી છે. આજે દુનિયાભરમાં મોટા મોટા દેશોમાં અમારા આદિવાસી સંતાનો શાનદાર કામ કરી રહ્યા છે. અમારી સરકાર જે રીતે પારદર્શિતા લાવી છે, ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત કામો કર્યા છે, ખેલો ઇન્ડિયાના અભિયાન ચલાવ્યા છે, અમારા આદિવાસી બાળકોને અવસર મળી રહ્યા છે. ભાઈ બહેનો, વનબંધુ કલ્યાણ યોજના લઈને જ્યારે હું ગુજરાતમાં આવ્યો હતો, એ યોજના આજે પણ અમારા ભૂપેન્દ્રભાઈ આગળ વધારી રહ્યા છે અને 1,00,000 કરોડ રૂપિયાથી વધારે એમાં વપરાના છે. 1,00,000 કરોડ રૂપિયા ખાલી અમારા ઉમરગામથી અંબાજી સુધીના આદિવાસી પટ્ટામાં, ભાઈઓ. અને એના દૂસરા બીજા ચરણનું કામ
फरी बीजा 1 लाख करोड़ रूपया एनाथी पण वधारे खर्च करवामां आव्यो अने आ बाळकोने अनेकों नवा शालाओ होस्टेलो मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज एक पछी एक विस्तार थतो ज गयो अने आ योजनानी अंतर्गत आदिवासीओने 2.5 लाख करोड़ रूपया 2.5 लाख भाईओ बहनों आजे देशभरनी अंदर आटलो मोटो खर्चो सरकार रही छे एमां लगभग 2.5 लाख घर बनावानुं काम मारा गुजरात में आदिवासी भाई बहनों माटे थयुं छे अमारा आदिवासी भाइयों ने पाकू घर मळे एमने जमीन ना पट्टा मळे एनी मालिकी होय एना माटे आपणे काम कर्युं छे भाईओ बहनों आदिवासी क्षेत्रों में गया 5-7 वर्ष गणो 6 लाख थी वधारे घर एक लाख आदिवासी परिवारों एमने जमीन ना पट्टा आ काम आपणे करी शक्या जे भाईओ मने याद छे जारे गुजरात में आपे मने सेवा करवानो अवसर आप्यो अने जे जनजातीय समाज में कुपोषण की समस्या आती अमारी दीकरीओ 11 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्ष नी थाय एना शरीरनो जे विकास थवो जोईए एमां मुसीबत कुपोषण सिकल सेल पारिवारिक मुसीबतो आ बधाने अमे चिंता करी अने बाळकोने तो संजीवनी दूध योजना द्वारा गामडे गाणे दूध पहोंचाड्यू 45 अनाज पहोंचाड्यू आदिवासी क्षेत्रों में 1.5 हजार जेटला स्वास्थ्य केन्द्रों शुरू कर्या सिकल सेल जेवी बीमारी सामे मैं आखा देश में अभियान उपाड्यू छे दुनिया भर में सारा में सारी जेना माटे सारवार मळती होय एना माटे आपणे काम करी रह्या छे जेथी करीने सदियों थी मारा आदिवासी परिवारों पेढ़ी दर पेढ़ी सिकल सेल नी बीमारी में मुसीबत में जीवे छे एमांथी ने मुक्ति मळे एना माटे भगीरथ काम आपणे कर्या छे भाईओ बहनों अमारू काम समस्याओथी मुक्ति मळे जेटली जल्दी मुके एनी साथे साथे पोषण अभियान द्वारा आखा देशना बाळको स्वस्थ बने गर्भावस्था माटना ए समय अमारी माताओ बहनों ने पौष्टिक भोजन मळे एना माटे 1000 रुपयानी किट एनी मदद आजे करी रह्या छे माताओ होय बहनों होय बाळको होय एने समय पर टीका लागे एने कोई लखवा जेवी बीमारीओ ना मारी जाए कोई गंभीर प्रकार की मांदी आ नाना नाना भूलकाओना जीवन में घुसी न जाए एना माटे इंद्रधनुष योजना आप उपयोग कर रहा है एटलू नहीं 2.5 वर्ष थी अधिक समय गयो जारे पूरा देश में 2.5 वर्ष करता वधारे समय विचार करो भाईओ आ कोरोना की महामारी आई आखी दुनिया ने हलावी नाखी आपणे आ स्थिति में पहलू काम क्यूं कर्यु नक्की कर्यु का मुसीबत में मारा जे गामडा मा जंगलों मा गरीबी मा जीवनारा मध्यम वर्गनी जिंदगी जीवनारा 80 करोड़ दुनिया आंकड़ो सांभळे तो एमनी आंखो फाटी जाय छे 80 करोड़ लोगों ने 2.5 वर्ष सुधी एमने मफत अनाज मळे अने गरीबना घर में क्यारे चूलो न ओलवाय एनी चिंता अमे करी अने 3 लाख करोड़ रुपया आ मारा गरीबोना कल्याण माटे वापरवानुं सद्भाग्य अमने मळ्युं अने आपना आशीर्वाद अमने मळी रह्या छे कोई परिवार भूख्यो ना रहे कोई संतान रात्रे भूख्यो न सूई जाए एनी चिंता करनारा अमे लोको छीए अमारी माताओ बहेनो जंगलमां लाकडा विणवा जाए अने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला जोड़े केटली तकरारो थाय घरमां लाकडाना धुमाड़ा करीने आँखो खतम थई जाए चूला में लाकड़ा बाड़ी बाड़ी ने जिंदगी पूरी थी जाए अमे एमने गैसना कनेक्शन आप्या गैसना बाटला आप्या अने हूँ तो भूपेन्द्र भाई ने अभिनंदन आपू छू के आ दिवाड़ी में 2 बाटला एमने मफत आपवानुं नक्की कर दीधुं भाईओ अमारी माताओ बहनों आशीर्वाद अमने नवा नवा काम करवानी ताकत आपे छे भाईओ आना कारणे हजारों परिवारों ने लाभ मळ्यो छे आपणे आयुष्मान भारत योजना लाया 5 लाख रुपया सुधी आपने कई बीमारी आवे 5 लाख रुपया सुधी नो बिल आ तमारो दीकरो भरवा तैयार छे 5 लाख अने दर वर्षे एक वक्त नहीं दर वर्षे एनो अर्थ तो तमे जो हजू 40 वर्ष जीवो तो तमने दर वर्षे 5-5 लाख रुपया एने तमारे बीमारी में काम आवे आयुष्मान योजना एटले
आ कार्ड एवं जो सोना लगड़ी जेवू जेम सोना लगड़ी जी क्या जाओ अने पैसा तरत मिली जाए एम आयुष्मान कार्ड सोना लगड़ी जेवू छे ए तमे लईने जाओ एटले मोटामां मोटी हॉस्पिटल होय पण एना दरवाजा खुली जाए अने तमारी मांगी होय तात्कालिक ऑपरेशन नी जरूरत हो ऑपरेशन थई जाए। एटलू ज नहीं खाली तमे तापी में व्यारा के सूरत हो नहीं तमे मुंबई हो कलकत्ता हो दिल्ली हो क्या पर थई जाए तो ये लगड़ी नी जेम पेलू कार्ड तमने काम आवे कार्ड बताओ मोदी साहेब नो फोटो जुए ने दरवाजा खुला भाईओ गरीबों माटे आ काम अमे करीए छे। अमारा आदिवासी समाज ने अमारा गरीब समाज ने कोई तकलीफ ना पड़े एनी अमे चिंता करता हुए छे। अमारो आदिवासी समाज भारत ना स्वतंत्रता आंदोलन में केटलो मोटू योगदान केटला वीर पुरुषों बलिदान अरे 20-22 वर्ष की उम्र अमारा आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा एने पोतानी जिंदगी खपावी दीधी थी भाईओ परंतु भूतकाळनी सरकारों भूलाई दीधा। अनेक बाळको हशे जेमने बिरसा मुंडा नाम अमारा आया पछी सांभळ्यु हशे अने अमे हवे तो 15 नवेम्बर बिरसा मुंडा जन्म जयंती ने आदिवासी गौरव दिवस तरीके उजवानुं नक्की कर्युं छे। भाईओ आप आश्चर्य थशे भाईओ मने को आदिवासी समाज सदियोंथी आ देश में छे के नथी छे के नहीं भाईओ आदिवासी समाज सदियोंथी छे के नथी। भगवान रामना जमाना में आदिवासी हता के नहोता अमारी शबरी माता भगवान रामना जमाना में हता के नहोता परंतु देश आजाद थयो ज्यां सुधी अटलजी नी सरकार ना बनी त्यां सुधी आदिवासीओना कल्याण माटे कोई मंत्रालय ज नहोतुं। बोलो पहली बार भाजपनी सरकार बनी त्यारे आदिवासियों माटे अलग मंत्रालय दिल्ली में बन्यो अने आदिवासियों माटे अलग बजेट फाळव्यो अने पछी आदिवासियों माटे ध्यान केन्द्रित थया। आ काम कांग्रेस वाळा करी शक्या होत पण एमने न सूझ्यो आ भाजप वाळा आया 20 वर्ष पहला पहली बार देश में आदिवासियों माटे अलग खातु मंत्रालय बन्यो अलग बजेट बन्यो अने एना विकास माटे काम थाय छे। अटलजी सरकारे ग्राम सड़क योजना बनाई थी आदिवासी पट्टा में गामडा सुधी सड़क जाए माटे नी चिंता करी थी। भाइयों बहनों आ डबल इंजीन सरकार नी डबल इच्छा शक्ति ये आदिवासियों हितों माटे काम कर रही है। अमारी सरकार छे जेने एमएसपी ना दायरा में बधा उत्पादनों में 12,000 थी वधारीने 90,000 करी दीधा 90,000 अमारा आदिवासी विस्तार में पैदा थती चीजों ये अमे जोड़ी एटलू नहीं जे गुमंत जनजातिओ छे एना कल्याणने पण अमे मोखरे लीधी अने एमना माटे अलग बोर्डनुं गठन कर्युं। अमे देशमां पहलेथी जे चालतो अमे विचार करो केवो कायदो हतो अंग्रेजोए तो पोताना लाभ माटे कायदो कर्यो अमारा आदिवासी भाईओनो गुनो शुं साहेब तमे वांस न कापी शको बोलो आवा कायदा अने वांस कापो तो ये जेल में अरे मारो आदिवासी भाई जो वांस कापे ने तो एमांथी वस्तुओं बनाईने वेचीने नी रोजी रोटी कमातो होय। मैं आवीने कायदो बदली नाख्यो मैं कह्युं भाई आदिवासी आम वांस छे ने झाड़ नथी आ वांस तो घास छे घास जेम घास कोई पण कापी शके ए वांसनी खेती कोई भी करी शके वांस कापी शके अने वांस वेची शके आ मारा आदिवासीओनो अधिकार छे। अंग्रेजोना जमानानो कायदो आ तमारा दीकराए आपीने आवीने एने खतम कर्यो अने आजे मारा आदिवासीओ वांसनी खेतीना मालिक बनी गया भाईओ। अने 8 वर्षमां अमे आदिवासीओना कल्याण माटे बजेट 3 गणा करी दीधुं भाईओ। आ बधा प्रयासों अमारा आदिवासी भाइयों ने रोजगार मळे अमारी आदिवासी दीकरीओने प्रगति करवानो अवसर मळे स्वरोजगार करता थाय एना माटे आम काम करवा लाग्या। अने भाईओ बहनों आजे तो देशनो गर्व छे राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी दीकरी बैठी होय पहली वार देश में बन्यु होय गवर्नर तरीके एक आदिवासी माताना कुखे गरीबी में जन्मेलो अमारा मंगू भाई गवर्नर बनी बैठा हुए आ परिवर्तन अमे लाए छे। भाईओ अमे आदिवासी जे स्वतंत्रता संग्राम में काम करी आजादी की लड़ाई लड़िया अंग्रेजों सामे क्यारे झुक्या न होय
एवी आदिवासी समाजनी सैकड़ों घटनाओ है, बलिदाननी घटनाओ है, एने बता भूली गया था। मैं नक्की कर राज्य राज्य ज्या आदिवासी आवी घटना होना मोटा मोटा म्यूजियम बनाईशू अने बाळकों ने लई जईशू जोवा माटे के भाई जो आपणे बधा सुखेथी जीवीए छे ने कारण के अमारा आदिवासी भाईओए आटला बधा बलिदान आप्या हता ने एना कारणे आपणे सुखेथी जीवीए छे। जरा एमने पगे लागो, एमना पगनी रज लो, आ मारे भावी पेढ़ी ने शीखवाड़वू छे। भाईओ भाईओ बहनों, आ डबल इंजननी सरकार पर्यटन क्षेत्र में पण अनेक कामों करी रही छे। आजे तमे विचार करो, आ देव मोगरा, आ दे गुजरात तो एक मुख्यमंत्री को दी देव मोगरा नाम नतु सांभ्यू, हूँ देव मोगरा गयो तो, अने त्यार पछी देव मोगरा नो मेळो होय तेनी व्यवस्था होय केटली बधी बदली नाखी। भाईओ आ सापुतारा अमारुं केवुं ताम आखी रोजी रोटी नुं केन्द्र बनी गयुं। भाईओ आ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ए आखाए पट्टाना अमारा आदिवासी भाईओ ने रोजगार नुं केन्द्र बनी गयुं। विकासनी साहेब जबरदस्त झड़प आवी गई छे। आजे आना माटे थईने बेने जोड़तो रस्तो अने एमां बधा वच्चे तीर्थक्षेत्रो आवशे। तमे विचार करो कि केटली मोटी कमाणीना साधनों अमारा आदिवासीओने घर आंगणे उभा थशे। हवे एमने रोडना काळा डामरना काम करवा माटे शहेरनी फूटपाथ पर जीवू पड़े, ये जमाना जता रह्या, ए तो पोताना घर आंगणे बेसीने रोजी रोटी कमाई शके एवी मारे ताकात आपी छे अने ए काम मारे करवू छे। भाईओ विकासनी आ भागीदारी गरीब में गरीब मणस ने सशक्त बनावे एना हो। अमारा जनजातीय युवाओं सामर्थ्य वधारवा माटे आ डबल इंजीनी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सबका प्रयास आ मंत्र लईने अमे चाली रह्या छे। समाज नो छेवाड़ा नो मानवी पण समाज विकास में भागीदार बने अने छेवाड़ा मानवी भला करवा माटे समाज नो आगळ पड़तो समाज होय तो पण एनी जवाबदारी संभाळे आवी एक भूमिका लईने काम कर रह्या छे। भाईओ बहनों, भारतीय जनता पार्टी नी सरकारो पूर्ण रूपे गरीबों कल्याण माटे छे, आदिवासी कल्याण माटे छे। दलित होय, पीड़ित होय, शोषित होय, वंचित होय, एमनु कल्याण अमारा हैये ठरेलू छे। अने एटले एटले जो जोउं छुं आटली मोटी संख्या में आवीने आप सौ आशीर्वाद आपो छो। आम आपना आशीर्वाद ए अमारी ऊर्जा छे, आपना आशीर्वाद ए अमारी प्रेरणा छे, आपना आशीर्वाद ए अमारुं सामर्थ्य छे, आपनी आशीर्वाद ए अमारा काम करवाना संकल्प छे, आपना आशीर्वाद ए अमारुं जीवन आपने माटे खपावा माटे छे। अने आज आशीर्वादनी मूड़ी लईने आवनारा दिवसोमां पण निरंतर आपनी प्रगति करता रहिए, आपनी सुख सुविधा माटे काम करता रहिए, एवा आशीर्वाद बन्या रहे। एज कामना साथे आटला बधा विकास कामो आपना चरणे धरीने मारी वातने विराम आपुं छुं। बे हाथ ऊपर करीने पूरी ताकतथी बोलिए, भारत माता की, और जोर से भारत माता की, और जोर से भारत माता की। खूब खूब धन्यवाद।